तो अल्फा एसएमबी में एक और नया दिन, एक और नई सुबह। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी एक बेस बना लिया एंड मेरा ये पेट भी बन चुका है। मेरी लाइफ बहुत ही बढ़िया जा रही थी, बट वेट अ सेकंड, ये मेरा टीममेट हेल्प के लिए क्यों बोल रहा है, क्या हुआ है? सो मेरा टीममेट एक दिक्कत में फंस चुका था एंड उसने मेरे को ये वीडियो सेंड करी। डायमेंशन टीम माफिया ने हमें पकड़ लिया, हमारे आसपास बस डार्कनेस डार्कनेस है। मुझे पता नहीं तू क्या अकेला हमें बचा पाएगा या नहीं, बट इतना देख लेना यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। कॉर्ड्स तो जो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, किसी तरह से आ और हमें बचा ले, और हमारे पास बहुत कम टाइम है। गुड लक। सो गाइस, जैसा कि तुम लोग ने देख ही लिया कि मेरा टीममेट अभी कितनी दिक्कत में है एंड मैं फिलहाल अपने दोस्त की शॉप पे जा रहा हूँ लाइटर लेने के लिए। ऑल राइट, आगे उसकी शॉप एंड मेरे को अपने टीममेट के लिए जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। ये भी आ गया शलकर, नाइस, बेस्ट हो गया। क्रिवम, इन सब की कॉस्ट क्या है? 38 डायमंड ब्लॉक्स। ब्रो मेरे पास इतने सारे तो नहीं है, फिलहाल तुम इतने रख लो, बाकी मैं तुमको बाद में दे दूंगा। एंड ठीक है, अभी मेरे को जल्दी है तो अभी मैं निकलता हूँ, ठीक है ब्रो? चलो बाय बाय। भाई स्कैम कर दिया क्या मैंने उसको? तो इसके बाद मेरे को पता चला कि टीम माफिया ने सिर्फ मेरे टीममेट को ही नहीं बल्कि टीम अल्फा के लीडर हॉक गेमर को भी पकड़ लिया है। तो फिर मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया। सो गाइस, जैसा कि आप लोग ने देख ही लिया कि टीम माफिया की बेस पे कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है एंड मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। सो अगर तो तुमको याद हो तो मैंने अपने प्रीवियस गेम प्ले में टीम अल्फा के प्लेयर स्टैडी को बैन करा था एंड उसका हेड अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखो। तो मैं स्टैडी को रिवाइव करने वाला हूँ सिर्फ अपनी हेल्प करने के लिए। मैंने स्टैडी को मैसेज कर दिया कि मैं तेरे को रिवाइव करने लगा हूँ। ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ओके वेट अ सेकंड, मैं इसको अब रिवाइव करने लगा हूं। हियर वी गो। वेट, अपना माइक ऑन करता हूं। हेलो स्टैडी। हेलो। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे स्टैडी को सब कुछ बता दिया कि टीम माफिया ने टीम अल्फा को भी पकड़ लिया है एंड मेरे टीममेट को भी कैद कर लिया है। तो स्टैडी मेरे को बता कि हमें टीम माफिया को मारना कैसे है? भाई टीम माफिया को मारने की सोचना बिल्कुल मत, वो बहुत डेंजरस गैंग है और अगर उसे मारना भी है तो टीम कैप्टन से हेल्प लेनी पड़ेगी। टीम कैप्टन, वो कौन है? यस, टीम कैप्टन सर के द मोस्ट स्टैक्ड अप टीम। पहले टीम कैप्टन एंड टीम अल्फा एक ही टीम में होते थे बट बाद में इन्होंने अपनी एक अलग अलग टीम बना ली एंड हम लोग इन्हीं से हेल्प मांगने जा रहे थे। देखो यो, नाइस, ये है क्या टीम कैप्टन का एरिया? हेलो 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 स्टडी, मैंने सुना है कि तुम काफी टाइम से स्टडी के अच्छे दोस्त हो एंड तुम बहुत पावरफुल टीम में से एक हो, बट आई डोंट नो व्हाई तुमने ये आयरन आर्मर क्यों पहन रखा है। अरे नेदरराइट आर्मर तो हमारे पास बहुत पर है बट आयरन आर्मर हमारा पहचान है। अच्छा ऐसी बात है क्या? वदांग का वो जरा अर्जेंट काम है, वो ज़ेफ़िन का है? ज़ेफ़िन तो है, चलो मेरे भी चलो। मैं गारंटी से कह रहा हूं ज़ेफ़िन का रूम ऐसा आलीशान होगा, एकदम गोल्ड वोल्ड लगा होगा। तुम लोग कहीं रुको, मैं अंदर होके आता हूं। ओके 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 ओके। अरे थंडर और स्टेडी अंदर भेजो तुम लोग। ओके आ जाओ। देखो डैमेज में मैंने कहा था ना गोल्ड गोल्ड। हेलो ज़ेफ़िन, देख ज़ेफ़िन, टीम माफिया ने टीम अल्फा को भी पकड़ लिया है एंड मेरे टीममेट्स को भी पकड़ लिया है। मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प लेने आया हूँ। व्हाट, टीम माफिया? इनको हम लोग पहले भी वार्न कर चुके हैं बट व्हाट, ये लोग वापस कर रहे हैं? इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। देखो तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए हम सारी हेल्प करेंगे बट उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। तुम्हारे टीममेट या तुम में से एक किसी ना एक किसी बंदे को अपने स्किल्स दिखाने पड़ेंगे। किस चीज का स्किल? पार्कोर स्किल्स। डायमेंशन भाई ये तो आप करोगे सैडी? मैं नहीं करूंगा सैडी, मैं नहीं कर सकता भाई। पार्कोर स्किल मेरे को बिल्कुल नहीं आते। साइड आ जा भाई, भाई उन लोगों को आवाज। इधर आ जा, इधर आ जा भाई, इधर आ जा सैडी। भाई मेरे को बिल्कुल नहीं आता डूड वो पार्कोर, आपको थोड़ा बहुत तो आता है। चल ठीक है भाई, मैं ट्राई करता हूँ फिर। भाई ये कहाँ ले आया यार, इतना बड़ा पार्कोर लिटरली खत्म भी नहीं हो रहा। ये डायमेंशन तुम्हारा पूरा का पूरा इन्वेंटरी चेस्ट में रख दो। ओके वेट, ऑलराइट, मैं एक टोटम रख सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, एक भी नहीं रख इधर। अगर तुम इस पार्कोर में मर गए तो तुम्हारा हेड भी ड्रॉप हो जाएगा और तुम परमानेंटली बैन भी हो जाओगे। विश मी गुड लक, बाय बाय। बाय, फिर मिलेंगे अगर जिंदगी रही तो। बूम, ऑलराइट, हम लोग यहाँ तक तो आ गए। अब ये वाला पार्ट हमें बहुत देखकर करना पड़ेगा भाई। लेट्स वेट अ सेकंड एंड हियर वी गो। ओह माय गॉड, लेट्स गो। एंड अब हम लोग यहाँ पे जंप खाएंगे, इजी, लेट्स गो। अब ये जंप्स तो बहुत इजी हैं, इनको तो हम लोग बहुत ही इजीली कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से इस लैडर को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एंड अब नीचे मैं जंप खाता हूँ। अरे थोड़ा सा रहेगा क्लच करने से, कोई ना। एंड अब नीचे जाकर हियर वी गो, ऐसे करके क्लच करेंगे। यहाँ पे मैं लैडर लगाऊंगा जस्ट टू बी सेफ। एंड हियर वी गो, हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं, यहाँ पर आके मैच अप नहीं करना। एंड अब इन ट्रैप डोर्स को बहुत देख के मैं करूँगा। हियर वी गो, फर्स्ट, सेकेंड, ये, हियर वी गो एंड हियर वी गो, लेट्स गो। वेदांका अपने पीछे देखो ब्रो,
फाइनली लेट्स गो। हाँ, एक्सपेक्ट नहीं किया था आ जाओगे। अब मैं आ गया हूँ ना, तो मेरे को ज़ैफ़न के पास लेकर जाओ। चलो आ जाओ। अबे व्हाट आवाज आ रही है क्या? ये क्या बात कर रहा था ज़ैफ़न? अरे भाई तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ब्रो मैं, इसका क्या मतलब है? कंप्लीट कर लिया मैंने तुम्हारा पार्कोर। ज़ैफ़न डायमेंशन ने उसका पार्कोर कर लिया। बहुत सारे डायमेंशन, अब लगता है टीम माफिया को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। यो ऐसा क्या? डायमेंशन मेरे साथ आओ, मैं तुमको तुम्हारी लूट देता हूँ। ओके ऑलराइट, ये कौन सा रूम है? वेदांका जाओ उसे ओपन करो। ओ डायमेंशन, here's your loot, it's all yours। Damn, wait a second। All right, मेरा नया आर्मर आ गया finally भाई, let's go। Yup। And इसमें क्या? Oh, crystals, wait। It's all yours, dimension। Damn, wait। All right, तो ज़ैफ़न अब हमने loot भी ले लिया है, and अब हम लोग आगे क्या करेंगे? अब सीधे चलो team mafia के पास। बट उससे पहले ये जो तूने कपड़े पहन रखे इसको चेंज कर भाई, क्या टट्टी से कपड़े पहन रखे हैं? देख भाई इतने बढ़िया कपड़े तो लग रहे हैं मेरे, ये गरीबों वाले कपड़े। ओ मार मत मर दूंगा मैं। ये गरीबों वाले कपड़े गुची से नीचे कपड़े नहीं पहनते हम, ये ऊपर वार्डरोब है, जाके कपड़े चेंज कर ले, अपने गरीबों वाले कपड़े मत रखना। ऑलराइट तो अपने कपड़े चेंज करने का टाइम है, दरवाजे करते हैं क्लोज एंड हियर वी गो। ओ भाई साहब यार खतरनाक लग रहे हैं कपड़े, बट थोड़ा ज्यादा ओवर लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा जैसे मैं फैंसी ड्रेस पार्टी में आ रखा हूँ। भाई मेरे लिए वो पुराने वाले ही ज्यादा बेटर थे, मैं इनको चेंज कर रहा हूँ। सो मैं फाइनली प्रिपेयर हो चुका था, एंड अब टाइम आ गया था टीम माफिया की बेस पे जाने का। ऑलराइट तो हम लोग फाइनली आ गए टीम माफिया की बेस पे, लेट्स गो। हेलो सोमियो। हेलो कौन है तुम? मैं डायमेंशन थंडर हूँ एंड मेरे को टू शॉट से मिलना है। क्या काम है? काम तो मैं सिर्फ उसी को ही बताऊंगा, तुम उससे जाकर बोलो डायमेंशन थंडर आया है। ओके तुम यहीं वेट करो, मैं ऊपर जाके पूछ के आता हूँ। ऑलराइट मेरा माइक बंद है, बट भाई इन लोग की बेस बहुत बढ़िया है, मैं लिटरली इंप्रेस हो गया इन लोग से। ओके वो आ गया, टू शॉट थर्ड फ्लोर पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके हेलो डायमेंशन। हेलो टू शॉट, मेरे को मालूम था कि तू यहाँ पे जरूर आएगा, चला जा बैठ के बात करते हैं। और बता भाई डायमेंशन भाई सब बढ़िया? यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये महेश मेरे को क्यों खड़ा देख रहा है? महेश तल्ले चल भाई टू शॉट, अब काम की बात पर आते हैं। मैं टीम अल्फा के पास एक डील करने गया था एंड आउट ऑफ नोवेयर तू वहां पर आ गया, एंड फिर तो तेरे को याद ही होगा आगे क्या हुआ था। तूने वहां पर क्रिस्टल फोड़ने शुरू कर दिया, तूने टीम अल्फा का कासल तोड़ दिया, एंड सबसे मेन बात तूने मेरे टीममेट्स को किडनैप कर लिया। टीम अल्फा से हमारी बहुत पहले की दुश्मनी थी, ये तुम्हारी गलती कि तुम वहाँ पे आ गए उस टाइम। माना कि मैं वहाँ पे गया टीम अल्फा के लिए था, लेकिन तुम्हारे टीममेट भी अब मेरे कब्जे में है ना। देखो टू शॉट्स, मेरे टीममेट्स को तो तुमको कुछ भी करके छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर उनको बचाने के लिए मेरे को तुमसे फाइट करनी पड़ गई तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। डायमेंशन तेरे को क्या लगता है कि तू टीम माफिया को मारेगा? दीपानु हेलो डायमेंशन, टीम माफिया अब एक टीम नहीं रही, एक पावर बन चुकी है। बॉस प्रिजनर्स कैप हैं। तुम लोग को तो मैंने वहां सिक्योरिटी करने को बोला था ना। रुक मैं ऊपर देख के आता हूँ। अरे वो लोग सही में गायब है। व्हाट? स्टडी सुन ले भाई, जब टीम माफिया वाले बिजी होंगे मेरे से डील करने में, तब उन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर सिर्फ मेरे पे होगी, तब तू आराम से उनकी बेस में एंटर करेगा एंड हेडसेट वॉरियर एंड हॉक को वहां से भगा कर ले जाएगा। अरे हेडसेट भाई इधर आओ, उधर मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे अरे ये मिल बोट कहाँ है? इधर से निकले, इधर से निकले। रुको रुको रुको, मैं माइनिंग पट्टी के। हाँ इधर से चलो। अरे हेडसेट भाई ये लो पल्स, उधर चलो उधर चलो। लेट्स गो ब्रो, फाइनली एस्केप कर लिया हमने भाई, बहुत टाइम लग गया भाई। टू शॉट्स देख ले, तेरे सामने से मैंने तेरे प्रिजनर्स को भगा दिया, चाहे टीम अल्फा हो या टीम माफिया, मेरे को कोई नहीं हरा सकता। गाइस टीपी करो मेरे को, जल्दी टीपी करो, लेट्स गो लेट्स गो। वेट व्हाट, ये मैं कहाँ हूँ? डायमेंशन तुझे सच में लगा कि टीम कैप्टन तेरी फ्री में हेल्प करेगी? गाइस डायमेंशन जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। व्हाट,